अशोकनगर जिले के मोहरी रोड पर बिजली बिल की वसूली करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं ने मारपीट की है। उपभोक्ता ने गुस्से में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इसी बीच सभी कर्मचारी भागने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने भीषण के कर्मचारियों पर मारपीट कर हमला कर दिया। दरअसल मोहरी रोड पर रहने वाले ओम प्रकाश के बिजली का 27,200 रुपए बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विभाग के कर्मचारी 4 बजे उसके घर गए थे। उन्होंने ओम की बकाया राशि मांगी। जब उसने बकाया राशि नहीं दी तो विभाग के कर्मचारी खंभे पर चढ़कर बिजली काट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने अपने साथियों को बुला लिया और लाठी डंडों से मारपीट करते हुए पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान बिजली काटने गए कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद विभाग के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और बहस को शांत करवाया। विद्युत विभाग के कर्मचारी सिटी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले में विभाग के जेई महेश बागमाटे ने बताया कि ओम प्रकाश पर घरेलू उपयोग के लिए ली गई बिजली कनेक्शन का वो गलत इस्तेमाल करने लगा है, इसीलिए उसका कनेक्शन काट दिया गया था। उन लोगों का आरोप ये है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहले उनके साथ मार दी। पहले उन्हीं की ओर से हम पर एक तो गाली गलौज और हम पर हमला हुआ, उसके बाद ही हमने बीच बचाव किया तो हुआ है उसमें थोड़ा। उसमें हाथापाई हुई है उसमें, बाकी शुरुआत उन्हीं की। कितने लोग गए थे शुरू में? 3-4 लोग ही गए थे, हमारी टीम 3-4 लोगों की थी। तो शुरुआत उन लोगों ने पहले की है, तब जाके फिर हम लोग जब पहुँचे, जब ज़्यादा हुआ तो करीब मैं 15-20 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँचा, तब तक मामला काफ़ी बढ़ चुका था। अशोकनगर से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।